दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले मैं कुछ इसका जो फीचर है यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने का क्या फ़ायदा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस क्रेडिट कार्ड को लेने का क्या फ़ायदा है, सबसे पहले मैं वो कुछ हाईलाइट चीज़ें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको देख लीजिए। सबसे पहला जो दिमाग में चलता है कि भाई इसका फीस क्या है, क्या यह लाइफ टाइम फ्री है या ज्वाइनिंग फी लगता है या चार्जर कार्ड है, ये सब। तो आप देखिए, कोई यहाँ पे सालाना कोई चार्ज नहीं है, और जब आप ज्वाइन करते हैं तभी भी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ रहा या नहीं लग रहा है ना। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छा है जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि 150 रुपये स्पेंड करने पे 8 रिवॉर्ड्स होगा, और ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एक मूवी टिकट वाउचर 500 का भी मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे देख लीजिए 10,000 रिवॉर्ड्स और 4 PVR टिकट्स जो आपको 1,25,000 एवरी 6 मंथ में अगर आप स्पेंड करते हैं तो ये भी मिलता है। ये मैं मानता हूँ, ये मेरी मैं जेन्युइन अगर बात करूँ, अगर एक नॉर्मल जनरली तो हर 6 महीने में 125 तो इतना स्पेंड होगा नहीं, लेकिन इसकी जो यहाँ पे जो सर्विस है, जो चीज़ हमें मिल रहा है, प्रॉफिट जो है वो दूसरी कार्ड में नहीं है। अब दूसरी कार्ड में नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू का क्रेडिट कार्ड है जो कि एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है, इसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसका नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना पहले से बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, जो कि ऑल टाइम 24 आवर्स 12 मंथ कभी भी 7 डेज मतलब हमेशा के लिए 5% फ्लैट कैशबैक रहता है फ्लिपकार्ट के ऊपर इसे शॉपिंग करने पे। और यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो अगर इसको लेना है तो बहुत अच्छा चांस है, अच्छा मौका है, अभी आप ले सकते हैं। लेकिन जो कोटक महिंद्रा बैंक में है वो इसमें भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक मनी बैक क्रेडिट कार्ड है जो मेरी माँ का मैंने अप्लाई किया था, मिल गया था, ये भी आप ले सकते हैं। इसका भी इस तरह से फ़ायदा नहीं है। एक यह मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है जो कि बोलना बताना क्या है, एकदम लाइव है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी इस तरह से जो है फ़ायदा नहीं है, है ना। जितना मतलब फ़ायदा जो है अभी ये जो प्रोवाइड कर रहा है, जितना रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और जो कुछ भी मिल रहा है। और सबसे बेस्ट बात ये भी है कि यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ देना ही नहीं पड़ रहा है बाकी सब के लिए, इसमें भी कोई इनकम प्रूफ नहीं है। बाकी इसमें आपका थोड़ा बैंक के स्टेटमेंट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप सब्जी बेचते हो, कुछ भी करते हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक सैलरी पर्सन के लिए है। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हो जैसे मैं, तो देख लीजिए मुझे भी ये कार्ड मिला है कि नहीं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम इस कार्ड को लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक तो लाइफ टाइम फ्री है और कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपये का भी आपको मतलब यहाँ पे चार्ज देना ही नहीं पड़ रहा है। और इसमें भी बेस्ट है कि किस तरह से कोई इनकम प्रूफ शो ही नहीं करना पड़ रहा है, जो कि ये क्रेडिट कार्ड जो आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ तो हुआ जो आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है और कितना चार्ज है, ये अब क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए, बता रहा है कि ये जो कार्ड है एकदम बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, यहाँ पे भी बता रहा है। ओके, इस क्रेडिट कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं, पहला मैं अब वो बताता हूँ, सही है। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास, अब देखिए, कोटक 811 सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कोटक 811 अकाउंट होना चाहिए। लेकिन आपको लाइफ टाइम फ्री ये कार्ड और बिना किसी इनकम प्रूफ के अगर चाहिए, तो वो रास्ता मैं बता रहा हूँ। बाकी के आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे कि कोटक का ये कार्ड लेने के लिए ये है, वो है, सैलरी स्लिप, आपको पिछले महीने के सैलरी स्लिप, इस महीने का, उसके पिछले महीने का, तो ये सब दिखाना पड़ेगा इस कार्ड के लिए। लेकिन मैं जो रास्ता आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया है, ये आपको बता रहा हूँ जहाँ पे किसी तरह से कोई भी आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, आपके पास कोटक 811 अकाउंट है या कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट है, अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, क्लिक कीजिए, वीडियो के बाद से कीजिए, 1 घंटे के अंदर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, आप देखिए, ओके, 1 घंटा भी नहीं लगेगा और आपका कोटक 811 अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे, क्लियर। अब ये अकाउंट ओपन होने के बाद, अभी ये चीज देखिए, ये कार्ड मेरा ही है क्या नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे चलिए टैप करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरा नाम है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मेरा नाम है, ओके, ये मेरा ही क्रेडिट कार्ड है, सही है।
अब यहां पे ये क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है ये देखोगे तो और भी आप दंग रह जाओगे। सही है, देख लीजिए, इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है 2 लाख से भी ज्यादा है, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट। और ऐसा नहीं मैं इस कार्ड को यूज नहीं करता हूं, भाई इस कार्ड को मैं यूज भी करता हूं, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वन सेकेंड, मैं इस कार्ड को यूज एक अच्छे लेवल पे करता हूं। देखिए ऐसा नहीं, अभी देखिए हर जगह में ये कार्ड जो है ना बाय डिफॉल्ट मैंने सेट करके रखा है, तो ये ऐसा नहीं कि इस कार्ड का यूज मैं नहीं करता हूं। और 2 लाख का लिमिट है, इससे अच्छा और क्या ही चाहिए, मतलब 2 लाख का लिमिट, कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं, कोई इनकम प्रूफ नहीं, कोई केवाईसी नहीं करना है, मतलब इंस्टेंट जो है कोटक एट 11 अकाउंट आपको ओपन करना है और आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इनकम वेरीफाई करने होंगे, जैसे ओटीपी के थ्रू अगर आपके बैंक अकाउंट में 8-10 हजार रुपए अगर मंथली आते हैं तो इनकम ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करके भी ये क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक है, सही है, अब सेकेंड लिंक है वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब मान के चलिए कि कोटक एट वन वन अकाउंट आपने ओपन कर लिया है। ओके, ये अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको कहां पे दिखेगा कार्ड अप्लाई करने के लिए, वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आप यहां पे दिख रहा है, यहां पे ऊपर में दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे दिख रहा है आपको कार्ड एंड लोन्स, स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो आपको यहां पे भी दिखेगा, जस्ट वन सेकेंड, यहां पे भी दिखेगा। देखिए इस कैटेगरी में भी आपको दिख रहा है ना, ओके, यहां पे भी आपको दिख रहा है, आई होप कि आप देख पा रहे हो, ओके, यहां पे भी दिख रहा है और सबसे ऊपर टॉप में भी दिख रहा था आपको, आपको टॉप में भी यहां पे भी दिख रहा है कार्ड। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, सही है, अब मैंने यहां पे क्लिक किया, ये स्मार्ट ईएमआई का है जो कि इस 811 अकाउंट को ओपन करने का ये सब प्रॉफिट आपको मिलते ही रहेंगे, यानी एवरी मंथ या तो पर्सनल लोन या तो क्रेडिट कार्ड कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा। जैसे कि आप अभी आप यहां पे देख पा रहे हो कि उस अमाउंट से आप इन सभी जगहों से आप शॉपिंग कर सकते हो, सही है, स्मार्ट ईएमआई है। तो इस तरह से आपको ये कार्ड जो है, अभी देखिए ये कार्ड जो है ऐसे ही शो करेगा, देख पा रहे हैं अभी ये जिस तरह से शो कर रहा ना, इस तरह से ये कार्ड आपको यहां पे कुछ ना कुछ आपको यहां पे शो करते ही रहेगा। तो इस तरह से इस कार्ड को आप मंगा सकते हो। ये है दो रास्ते मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक है, एंड पहला लिंक है जो कि कोटक एट 11 अकाउंट ओपन करने का, 1 आवर्स लगेंगे अकाउंट ओपन हो जाएंगे, 90 दिनों के अंदर अंदर में आपको जो है अकाउंट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यूज कीजिएगा, जिससे दोस्त से 500 रुपये डाल दिया, फिर इसमें विड्रॉल कर दिया, फिर किधर से 5 रुपये, यानी कि अगर आपके घर में कोई भी अकाउंट यूज कर रहा है तो उधर अकाउंट में अमाउंट ना डाल करके इधर थोड़ा लेन देन कीजिएगा, 2 महीने के अंदर अंदर में आपको, 90 दिन में बोल रहा हूँ लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर में आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड आपको जो है अप्लाई करने का आपको शो हो जाएगा और आप इस क्रेडिट कार्ड को अपने घर पे मंगा सकते हैं। आई होप गाइस कि इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया है समझ में आया होगा, फिर भी आपके मन में किसी तरह से कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में और भी क्रेडिट कार्ड है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, आप ATM से पैसे विड्रॉल तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसे करते हैं तो आपको चार्ज लगेगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगा। लेकिन एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि ATM से पैसे विड्रॉल करेंगे और 0% इंटरेस्ट रेट में 48 डेज के लिए, उसके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।